कवि ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत के रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेगा, मोहब्बत के रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेगा। तो मैं सोचती हूँ कि वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर खोल दो, मस्त चलेगा, है कि नहीं दोस्तों? क्या ख्याल है आपका, क्या सजेशंस है आपके? खैर, हमारा मेडिकल स्टोर चले ना चले, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर बहुत मस्त चल रहा है और आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के ढेर सारे प्यार से जो मेरा इनबॉक्स फुल हो जाता है ना, उसी से मेरा तो पेट भर जाता है, मुझे किसी मेडिकल स्टोर की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप हमें ज़रूर मैसेज करते रहिए एंड यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू अस। Our web page is Divyang News Channel. We are there on Facebook, Twitter, Insta, WhatsApp. आप कहीं पे भी हमें message करके हमसे जरूर से जुड़ सकते हैं और आप जुड़ते रहिए। मुझे आपके messages का बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके प्यारे messages ऐसे ही आप मुझे जरूर भेजते रहे और मैं promise करती हूँ कि मैं आपके लिए World of Glamour में ऐसे ही बहुत सारा फन, म्यूजिक, मस्ती और लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स के साथ लॉट्स ऑफ ग्लैमरस हस्तियों को यहाँ पे आपसे मुलाकात करवाने के लिए जरूर से बुलाती रहूंगी। और इसी के अंतर्गत वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर विद नीतल में आज नीतल ने जिनको इनवाइट किया है, इट्स ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड स्टार, Mr. Aditya Soni, who's an actor and model, and he has already been Mr. Gujarat, Mr. Mumbai Central, Mr. Surat, Mr. Ahmedabad. Oh my goodness, बहुत सारे Mr. आपने जीते हैं आदित्य जी. Welcome to Divyang News Channel. Welcome to World of Glamour with Nital. Welcome. आदित्य जी ने बहुत सारी मूवीज भी की हुई है. ही हैज डन गुजरात टू मुंबई एंड टू मारी आसपास छह थी जो है वो गुजराती मूवी है और इससे उनको उन्होंने डेब्यू किया था. इट वाज हिज फर्स्ट मूवी. तो आपने इतनी मस्त मूवीज की हुई है आदित्य जी, उसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है. एंड वंस अगेन वेलकम आदित्य जी. आप इतना आपका बिजी शेड्यूल छोड़ के हमारे दर्शकों के साथ, मेरे फैंस के साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. तो आदित्य जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप ऑब्वियसली यू आर वेरी हैंडसम फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी टेल यू, और आपने इतने सारे मिस्टर के टाइटल्स भी जीते हुए हैं. तो आप ये इंडस्ट्री में आपने शुरुआत कब और कैसे की? मैंने शुरुआत की थी 2013 से. मैं मिस्टर गुजरात के फैशन शो में मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड वो मेरे लिए पहला फैशन शो था. सो थोड़ा डर था कि भाई इतना प्रोफेशनल फैशन शो है, मैं कैसे करूँगा, क्या है क्या नहीं, बट सोचा कि भाई नहीं, करना है तो करना है. तो मैंने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी टाइम मैंने ग्रूमिंग लिया एंड दैट लास्ट मोमेंट पे जब मैं ऑन स्टेज था तो थोड़ा था कि यार जीतना तो है पर कैसे जीतूंगा, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे. बट मेरा परफॉर्मेंस एंड कहते हैं ना कि अगर कुछ ठान लिया दिमाग में तो वो चीज़ होती ही होती है. तो मैंने फैशन शो किया एंड उस टाइम पे मैं विनर रहा एंड उसके बाद काफ़ी मुझे फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स की ऑफर आई. तो मैंने काफ़ी फिल्म्स, ये जो तुम्हारी आसपास से एंड गुजरात टू मुंबई, उसके पहले मैंने एडवर्टाइजमेंट की थी. तो उसके बाद ये मेरा करियर का स्टार्टिंग हुआ. ओके, तो आपने सबसे पहले शुरुआत की मिस्टर गुजरात कॉम्पिटिशन से. तो इससे पहले क्या आपको बचपन से ही ऐसा वो इंडस्ट्री में या मिस्टर गुजरात मिस्टर ऐसा बनने का शौक था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं था. मुझे ऐसा था कि भाई जाना है बॉलीवुड में, जाना है एक्टिंग इंडस्ट्री में, जाना है राइट मुंबई जाना है. तो ये मेरा ड्रीम रह चुका था और अभी भी वही मेरा ड्रीम है कि एक ना एक दिन जरूर बॉलीवुड में जाना है. तो स्ट्रगल मेरी डेफिनेटली जारी है, 7 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी. तो या दैट्स इट. ओके, तो आप बहुत ही ज़्यादा आपका जो हार्डवर्क है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, यही हमारी शुभकामना है. लेकिन आपने जैसे शुरुआत की तो शुरुआत में काफ़ी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. right. तो आपको भी एंट्री के लिए ऐसी कुछ प्रॉब्लम स्पेशल कुछ ऐसी फेस करनी पड़ी? मैंने एक्चुअली मिस्टर गुजरात किया, तब मैंने एडवर्टाइजमेंट्स की एंड उसके बाद मैं मुंबई गया था फॉर सीरियल्स.
लाइक जी टीवी स्टार प्लस उसके लिए मैंने ऑडिशंस दिए एंड मैं सीरियल का नाम नहीं बताऊंगा पर मैं एक सीरियल के लिए मैं सिलेक्ट हो चुका था लास्ट थ्री तक मैं था एंड एज यूजुअल सबको पता है कि ये इंडस्ट्री में सबको क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है राइट तो सेम चीज मेरे लिए कास्टिंग काउच का ऑफर चालू हुआ बट मुझे ये चीज नहीं करनी थी मुझे अपने दम पे आगे जाना था राइट सो मैंने वो चीज छोड़ दी एंड एक टाइम आ गया था कि मेरे ऑलरेडी 4 साल हो चुके थे इंडस्ट्री में एंड मुझे लगा कि नहीं अभी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है मुझे नहीं करना चाहिए तब भी मेरे पास तुम्हारी आसपास से की ऑफर आई और मैंने फिल्म स्टार्ट की उसके बाद तुरंत ही कुछ 3-4 महीने में मुझे गुजरात टू मुंबई मिली एंड मैंने गुजरात टू मुंबई फिल्म साइन की थी तो ये जान के हमें थोड़ा सा दुख हुआ है आदित्य जी के आपको इंडस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम्स शुरुआत में फेस करनी पड़ी बट यू टुक द राइट डिसीजन कि यू डोंट वांट टू टेक द शॉर्टकट आपने मेहनत की सीढ़ी चढ़ी है और बिलीव मी मेहनत की सीढ़ी हमेशा ऊपर लेके ही जाती है क्योंकि अगर आप लिफ्ट से जाते हैं ना तो बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे लेकिन उतने ही जल्दी आप नीचे भी गिर सकते हैं तो इतना ज्यादा उससे अच्छा है कि आप मेहनत करते हुए ऊपर पहुंचे और जैसे आपके पास आपकी पहली 2 मूवीज आई है आपके बहुत सारे एड्स और एल्बम्स आए हैं वैसे ही आपके पास और भी बहुत सारी मूवीज आती ही रहेगी तो जैसे आपने बताया कि आपने ये फर्स्ट फिल्म आपको जो मिली तो उसकी भी आप हमें कुछ कहानी बताइए कि आपको ये मूवी कैसे मिली क्योंकि मेरे यहाँ बहुत दर्शक हैं जिनको भी मूवीज में आने की वो लालसा है तो उनको भी कुछ टिप्स मिल सके उससे मैंने तुम्हारी आसपास से का ऑडिशन दिया हुआ था जो सूरत में था था कि भाई करनी है फिल्म बट उस टाइम पे होप चली गई थी दिमाग में ऐसा था कि भाई काफी कुछ चल रहा था तो सोचा नहीं था कि भाई मुझे फिल्म मिलेगी एज अ स्टार्टिंग मुझे सेकेंड लीड कैरेक्टर मिला जो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था और मेरे लिए कोई कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए मेरा जो मेरा परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था सो मैंने कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया मेरा सेकेंड लीड कैरेक्टर था उस टाइम पे मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की लाइक डायरेक्टर्स की गालियाँ ये वो क्योंकि फर्स्ट फिल्म थी मेरे लिए तो मुझे पता नहीं था कैमरा फेसिंग क्या होता है क्योंकि आज के ज़माने के जो लोग हैं जो हमारी जनरेशन है उसको ऐसा है कि भाई एक्टिंग आ गई तो आपको सब कुछ आ गया और सेम चीज मेरे अंदर भी थी बट एट दैट टाइम जो जब मेरा शूट चल रहा था तो मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी है कि भाई कैमरा फेसिंग चाहिए कि आपका एक्सप्रेशंस मैटर करता है एक्टिंग मैटर करती है तो काफ़ी कुछ मैटर करता है जो मेरे अंदर नहीं था सिर्फ एक्टिंग से कुछ नहीं होता सो या उस टाइम पे मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की है तो मैं जो दर्शक आपके देख रहे हैं और मैं उनको जाना है इंडस्ट्री में तो मैं उनको एक ही चीज़ बताऊँगा कि एक्टिंग इम्पॉर्टेंट है 50% बाकी के 50% जो है उसके लिए आपको कैमरा फेसिंग आना चाहिए आपको आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए बहुत कुछ होता है ये आपने बहुत अच्छी टिप्स दी है आदित्य जी हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो मूवीज में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक क्वालिटी कोई भी एक क्वालिटी से आप संपूर्ण नहीं हो जाते हैं सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है आपके अंदर बहुत सी चीज़ें होती है एंड बिलीव मी द होल लाइफ इज शॉर्ट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इसलिए कभी भी अपने आप को संपूर्ण नहीं समझना चाहिए आपको कुछ न कुछ आपके अंदर जो कमी है वो सीखते ही रहना है और जीवन ऐसे ही चलता रहता है तो एक चीज़ आने से आपके अंदर अगर घमंड आ गया उसके बाद आपका जो कैरियर है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा मे भी थोड़ा नीचे जाने लगेगा इसलिए हमेशा सीखते रहिए और आप हमेशा आगे बढ़ते रह पाएंगे और आपने इतने मूवीज जो की है आपने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स भी किए हैं लेकिन आपका कौन सा कैरेक्टर है जो आपके पसंद का है जो आप करना चाहते हैं अभी तक मैंने एक्शन फिल्म जो तुम्हारी आसपास से है उसमें मेरा थोड़ा एक्शन कैरेक्टर था गुजरात टू मुंबई था उसमें मेरा स्टूडेंट कैरेक्टर था तो समझो कि भाई एंटरटेनमेंट फिल्म थी तो अब मैं करना चाहूँगा कुछ रोमांटिक कैरेक्टर एंड ऑल्सो कॉमेडी कैरेक्टर एंड जून में मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा बट जून में मेरी एक और फिल्म का शूट स्टार्ट हो रहा है जो काफ़ी बड़े डायरेक्टर है जो बॉलीवुड से भी जुड़े हैं
तो उनके साथ मैं फिल्म स्टार्ट करने जा रहा हूँ. सो होप सो आप सबकी ब्लेसिंग से वो फिल्म भी अच्छी चले एंड अच्छे से उसका शूट खत्म हो. ऑफ कोर्स आदित्य जी, हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ ही है, और ये जान के हमें बहुत खुशी हुई कि बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर के साथ आप काम करने वाले हैं. एंड आई एम वेरी मच इम्पेशेंट टू नो अबाउट द नेम ऑफ द मूवी, और हम जून में आपसे ज़रूर इसके बारे में डेफिनेटली. जान लेंगे जैसे ही आपका प्रोजेक्ट लॉन्च होता है. एंड आई एम श्योर मैं और मेरे सारे दर्शक आपकी मूवी देखने के लिए ज़रूर थैंक यू जाएंगे, सो बिकॉज मच. वी आर अवेटिंग फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के तो हम भूखे हैं, हमारे मेरे सारे दर्शक जो है उनको भी ये चीज़ बहुत ही पसंद है. तो आपने ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी सी बताई है. इसके अलावा इंडस्ट्री में आप इतना काम कर रहे हैं, ये सब कुछ है, उसके अलावा आप और क्या करते हैं? व्हाट्स योर ब्रेड एंड बटर? आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमारे साथ कुछ शेयर कीजिए. मैं एक्चुअली एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, बट आपको ये नहीं पता होगा कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ. मैं सूरत अहमदाबाद वहाँ पे काम करता हूँ, मेरी साइट्स चलती है. सो ये मेरी पर्सनल लाइफ है. या एंड साथ में मेरा जो एक्टिंग मॉडलिंग जो मेरा ड्रीम है वो मैं डेफिनेटली कंप्लीट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कि आगे स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मुझे आगे बॉलीवुड में चांस मिले. तो आदित्य जी, आपने बहुत ही कुछ अलग ही बात बता दी कि आप एक इंटीरियर डिजाइनर है, जी और आई डोंट नो लाइक हाउ डिड यू कंबाइन इंटीरियर डिजाइनिंग विथ एक्टिंग एंड मॉडलिंग. मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि अगर आपने कुछ चीज़ ठान ली है ना, तो वो चीज़ डेफिनेटली होती है. टाइम निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है. बहुत सही या बात कही है कि अपने पैशन को जीने के लिए आपको टाइम जरूर जरूर से निकाल. निकालना पड़ता है. और इसके अलावा जो हमारे अपकमिंग स्टार्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं जी इंडस्ट्री में आने के लिए, उनके लिए आप कुछ स्पेशल टिप्स बताइए. हाँ, उनके लिए मैं टिप्स, मतलब मैं इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ, बट मैंने जो फेस किया है मैं वो डेफिनेटली बताऊंगा उनको, कि आप ऑडिशन देते रहिए. सिर्फ ऑडिशन से कुछ नहीं होगा. आप घर पे मिरर के सामने एक्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो. और एक्टिंग चीज़ ऐसी है कि वो कहीं पे सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने अंदर से निकलती है, राइट. सो उसको आपको अगर इम्प्रूव करना है, आप वीडियोस देखो, फिल्म्स देखो, आपके जो पसंदीदार एक्टर्स हैं उनकी फिल्म्स देखो, उनको फॉलो करो, राइट. बट एट द एंड आप अपना जो पैशन है, आपके अंदर जो एक्टिंग है उसको बाहर निकालो, राइट. सो मैं उनको एक ही चीज़ बताऊंगा कि ऑडिशंस देते पहले आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए. बट आज की जनरेशन जो है उनके फैमिली काफ़ी ऐसा होते कि भी सपोर्ट नहीं करते, राइट. तो उनके लिए ये चीज़ करनी बहुत मुश्किल हो जाती है. तो मैं उनके फैमिली को भी ये बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्री ख़राब नहीं है, इनके जो लोग हैं वो ख़राब है, पर डिपेंड आप पे करता है. अगर आपने कुछ, आपका जो पैशन है आपको कंप्लीट करना है, तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी. बहुत ही आपने अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छी टिप्स दी है. एंड यस फ्रेंड्स, देर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर स्ट्रगल. एंड आपका जो हार्डवर्क है उसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. हार्ड वर्क करते रहिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप ज़रूर से आगे बढ़ पाएंगे. और आपने आपके ये सारी आपकी जो लाइफ स्टोरी हमें बताई आदित्य जी, और हमारे साथ ये सब कुछ आपने डिस्कस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद. मच. एंड आई एम श्योर इट्स रियली मोटिवेटिंग फॉर ऑल माई व्यूअर्स ओवर हियर. इसके अलावा आपका ऐसा कोई स्पेशल ड्रीम है जो अभी तक पूरा नहीं ही हुआ है, और जो मे बी आप यहाँ पे शेयर करेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से आपका ड्रीम पूरा हो जाए. मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने इतनी स्ट्रगल की है, मेरा जो ड्रीम है, मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड के रिलेटेड मेरा ड्रीम है या हाँ जी एक्टिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड मेरा ड्रीम है, तो मुझे जो फेम मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला है. लाइक बोल सकते कि नहीं, मुझे 30% फेम मिला है, 70% नहीं मिला है, राइट. सो मुझे वो चाहिए, बट वो मेरी मेहनत से अभी नहीं. उसका भी कोई टाइम होता है. अगर आपकी मेहनत एक स्टेज तक पहुंच जाती है, आप सक्सेसफुल हो जाते हो, हाँ जी उसके बाद चाहिए. सो ये मेरा ड्रीम है.
Yeah, so our best wishes are always with Thank you, so Aditya ji. And मैं आपको थोड़ा correct करना चाहूँगी. Yeah. वो 30% को आप थोड़ा सा 50% पे ले आइए, क्योंकि आपका fame इतना है कि वो मुझ तक पहुँचा है, तो I am sure yeah, कि it is 50% तो है ही. Yeah, और so. बाकी की 50% आपकी मेहनत के ऊपर आपको yeah. जरूर आगे पहुँचाएंगे. और Now we come to the part of my episode, which is my favorite one, and that's a very interesting game जो हम आपके साथ खेलेंगे. और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मेरे दर्शकों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, and I'm sure you will enjoy sure. this part of my game show. So let me explain to you. We'll start first of all with my movie round. Okay. जिसमें मैं आपको हिंदी मूवीज के नेम है वो दूंगी. आई हैव ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश ओके एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट ओरिजिनल हिंदी ओके 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 तो ज्यादातर ये थोड़ा आपका इंग्लिश चेक करते हैं ओके ओके सो और इसके लिए आपको मिलेगा 1 मिनट ओके ओके सो लेट्स सी हाउ मेनी यू कैन क्रैक इन दिस एंड योर टाइम बिगिंस नाउ. लाई एंड द क्रोबाइट्स. बहुत अच्छी कहावत भी है हमारी. ये फिल्म है या कोई फिल्म का नाम? ओके. झूठ बोले कौवा काटे. हाँ या एक्चुअली मेरे दिमाग में था बट मैं निकाल नहीं पाया ये चीज. ओके ओके नेक्स्ट वन. वॉल. डब्ल्यू ए एल एल. वॉल. वॉल दीवार. दीवार 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 मूवी का नाम है. ओके. स्टेन. Stain. S-T-A-I-N. Stain. Stain. Rahena. Stain. Dag. S-T-A-I-N. Stain. Dag. Dag. Okay. Okay. Blood filled parting. Blood film. Filled. Filled. Haan. Parting. Hmm. Khun ka. Khun blood. Filled. ट्रांसलेट करेंगे तो भी पता चल जाएगा. यस यू आर वेरी मच नियर टू इट. आई विल गिव दिस वन टू यू. ट्राई कर दीजिए. ब्लड फिल्ड पार्टिंग. खून. खून का. फिल्ड. फिल्ड या खून भरी मांग. हिंदी में नहीं मेरे ट्रांसलेट नहीं होता मेरे से. खून भरी मांग. ओके ओके चलिए. दैट वाज अ वंडरफुल राउंड विथ यू एंड यू डिड अ नाइस ट्राई. Our next round over here is the dialogues round. हाँ तो इसमें जो है आपके लिए हम हिंदी मूवीज के डायलॉग लाए हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना है, जिसका आपको मूवी का नाम बताना है. ओके ओके एंड योर टाइम बिगिंस नाउ. कितने आदमी थे? शोले. वेरी गुड. कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है. और हार के जीतने वाले को बाजीगर. बाजीगर कहते हैं. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. नाम भूल गया मैं. क्यों नहीं आ रहा है? यस यस इट हैपेंस विद एवरीवन. डोंट वरी. ओम शांति. ओम शांति. ओम. यस. पुष्पा. आई हेट टीयर्स. No, इन्हें पोंछ दो. राजेश खन्ना. अमर प्रेम. ओके. मैंने पुरानी फिल्म्स नहीं देखी है. बाबू मशाई. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. अगेन आई डोंट नो. आनंद. ये तो पता होना चाहिए. नहीं एक्चुअली मैं. अच्छा चलिए. एक मच्छर साला आदमी को इज्जड़ा बना देता है. ये सुना है बट. सुना है. हाँ जी. चलिए किसका है वो तो बोल लीजिए. आई डोंट नो. ओके यशवंत. हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओ. किसान. हाँ जी हाँ जी. दबंग. वेरी गुड. एंड योर टाइम्स अप ओवर हियर. आपके साथ खेल के हमें
बहुत मजा आया एंड आई होप आपको भी उतना ही मजा आया एंड इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू आदित्य जी. आपने बहुत मेहनत की है और ऐसे ही आप बहुत मेहनत करते रहिए और आप और भी बहुत आगे जाए जिंदगी में, ऐसी ही हमारी शुभकामना है. और आप लोग भी हमें जरूर से देखते रहिए एंड यू कैन ऑलवेज गेट कनेक्टेड टू अस दिव्यांग न्यूज चैनल ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा. आपके मैसेजेस, आपके जो प्यार भरे मैसेजेस है वो हमें जरूर से भेजते रहिए, तो ही हम आपके लिए ऐसे ही वंडरफुल एंटरटेनिंग शोज लेके आ सकते हैं और आते रहेंगे. आपसे फिर से ऐसे ही मस्त सेलिब्रिटी के साथ एक और मुलाकात के लिए हम अभी आपसे अलविदा लेते हैं. थैंक यू.